हे गाइस वेलकम बैक टू रिव्यू विद गाइस। सो गाइस मैंने अभी एक मूवी देखी जिसका नाम है मेज गन लिटरली वट्टा मूवी। इस मूवी को देखने के बाद बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में जो खोया है आप उसको फील करने वाले हो, लाइक आपके स्कूल डेज, कॉलेज डेज एंड उसमें जो भी आपके कुछ फ्रेंड्स होते थे शायद ही उनमें से कुछ याद होंगे, या अगर आप पहले गाँव में रहते थे अब शहर में आके बस गए हो, शहर में आके रहने लग गए हो। लेकिन होता है कि हम अपनी लाइफ में इतने आते कि हमें जो अपनी जो पीछे जो मीठी मीठी यादें हैं वो हम काफ़ी छोड़ के आ जाते एंड ये मूवी आपको वही रियलाइज कराएगी कि भाई लाइफ की इतनी भाग दौड़ में हम कहाँ खो गए। किसी को अपने करियर की टेंशन है, कोई कुछ टेंशन है, लाइक बस हम ढंग से हंस भी नहीं सकते, हम ढंग से खुली सांस नहीं ले सकते। जब देखो जो हमें ये काम करना, हमें वो काम करना, इतना ज़्यादा हम अपनी लाइफ में खो चुके हैं कि कोई हमसे पूछता है कि और भाई कैसा है, हम उसको बोलते हैं हाँ भाई बढ़िया, लेकिन क्या तुम्हारी लाइफ में कोई एक ऐसा फ्रेंड है जिस जो तुमसे पूछे और भाई कैसा हो, तुम ये बोल दो कि हाँ यार क्या बताऊँ ये हुआ था वो हुआ था। एक ज़िंदगी में एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जिसको तुम कॉल करो अपनी पूरी लाइक जो भी परेशानी है या तुम्हारा क्या क्या चल रहा है सब कुछ उसको खुल के बोल सको, बिना ये जज करे कि भाई वो बंदा क्या सोचेगा क्या करेगा। भाई आपकी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड है तो बहुत वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में काफी चीजें मिस कर रहे हो। मूवी की स्टोरी होती है कि अरविंद स्वामी जो होते हैं वो बचपन मतलब बचपन में अपना घर छोड़ के गांव से वो शिफ्ट हो जाते हैं एंड वहां पे वो मतलब उनको वो चीज याद तो थी कि वो अपना घर वो काफी चीजें मिस करते थे, लेकिन जो उनके साथ जो पास्ट में जो चीज़ें होती वो कहीं ना कहीं धुंधली हो गई थी। एंड उनको फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो कहीं शादी में अपनी बहन की शादी में वहाँ गए होते हैं एंड वहाँ पे उनको एक आदमी मिलता है उनको एंड वो उसको इतना प्यार करता है अरविंद को, लाइक उसका वो भगवान समान था, लाइक वो अपनी एक चीज़ को वहाँ पे छोड़ के आ गया था। उस लड़के ने उस कार्तिक ने उस चीज़ को कितना संभाल के रखा है, उसकी वो पूजा करता है एंड आई रियली लाइक दिस मूवी। कोई इतनी परफेक्ट मूवी कैसे हो सकती है, कोई स्पॉइलर नहीं, ये नहीं कि मैं कुछ बता दूंगी तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा, बहुत सिंपल सी स्टोरी है, बहुत सिंपल सी कन्वर्सेशन दिखाई गई है, वो गांव का माहौल दिखाया गया है, वो चीज़ें उनको जब वो देखेंगे तो बहुत उनको लाइक अपनापन लगेगा वो चीज़ देख के। सो गई मैं इसको रेट करूँगी 5 में से 5 क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद इतनी अच्छी मूवी देखी एंड इसके जो डायरेक्टर है सी प्रेम कुमार भाई साहब हैड्स ऑफ है आपको, कितनी अच्छी मूवी बनाई। ये वही डायरेक्टर इसने 96 मूवी डायरेक्ट की थी एंड इनके जो कास्ट है अरविंद स्वामी एंड कार्तिक भाई दोनों ने कमाल की एक्टिंग करी, एक बहुत इंट्रोवर्ट दिखाया एक बहुत एक्सट्रोवर्ट दिखाया। यही होता है कि कोई आपका जो फ्रेंड, अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपको एक्सट्रोवर्ट की जरूरत है, ये नहीं कि दोनों ही चुपचाप बैठे, भाई एक तो बात करने वाला होना चाहिए। एंड ये नेटफ्लिक्स पे आप इसको हिंदी में भी देख सकते हो, मुझे तो मूवी बहुत सुपर लगी है, एक बार मेरे कहने से मूवी जरूर देखना, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। सो गाइस मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, टपे डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बाय बाय।